क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास, डिपेंड्स अपॉन जी, डिपेंड्स अपॉन टी, लेकिन आगे डिपेंड्स अपॉन नहीं होता, वो तीन तक ही चलता है. नेक्स्ट है, इट फेल्स टू डराइव रिलेशनशिप्स विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. कभी ऐसा क्वेश्चन आया, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ थीटा. ट्रिग्नोमेट्री यूज कहां की हमने, इसमें यूज ही नहीं की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिपेंडेंसी कौन किस पे डिपेंडेंट है ये फेल हो जाता है, चलता नहीं है. या कभी ऐसा आया, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स, लॉग यूज कहां किया, या वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, ये काम नहीं करेगा अगर ये फंक्शन यूज करेंगे, ये इसकी लिमिटेशन है. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और चौथी एक और लिमिटेशन है, क्या कि एक डायमेंशन फॉर्मूला को देखते हुए आप क्वांटिटी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. जैसे एम टी माइनस टू है या एम एल टू टी माइनस टू है, एम एल टी एम एल टू टी माइनस टू किसका यूनिट है, एनर्जी का. कौन सी, पोटेंशियल पता नहीं, काइनेटिक पता नहीं, वर्क डन पता नहीं, हीट एनर्जी पता नहीं. तो क्वांटिटी कई हो सकती हैं लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला एक है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक. मतलब मैं, आप चाह रहे हो मैं सात क्वांटिटी सॉल्व करके दिखाऊं? जरूरत ही नहीं, अंग्रेज लोग बड़े सियाने हैं, उन्होंने किया हुआ है पहले, उन्होंने पहले ही बोल दिया मत करना, नहीं करेंगे. ठीक है, रूल बना दिया उन्होंने, वो उन्होंने कर किया होगा और आंसर सही नहीं आ रहे होंगे तो उन्होंने उसको मना ही कर दिया कि मत करना. ठीक है, तो मान लेंगे सफिशेंट है. अब क्वेश्चन देने वाला भी तीन ही पूछेगा, चौथा पूछेगा ही नहीं, तो फिर क्यों उस रास्ते जाना प्रूव करना जो पता ही है कि वो प्रूव नहीं होने वाला. ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर बिल्कुल ख़त्म है. इसके अंदर अब कोई नया टॉपिक नहीं करने वाला, तीन इसकी एप्लीकेशन है, तीनों हमारी हो गई कंप्लीट. ठीक है, अब हमारे पास क्या पेंडिंग है, ऑब्जेक्टिव शीट पेंडिंग है. एक ऑब्जेक्टिव शीट भी तो थी ना, ऑब्जेक्टिव शीट है. जैसे तो इनकी सेम आ रहा आंसर नहीं, चार आ रही हैं पर चार का डिपेंडेंसी का रिलेशन नहीं आता. डायमेंशन फॉर्मूला तो चार में बन सकता है लेकिन वो डिपेंड्स अपॉन तीन तक ही चलता है, ऐसा है इसका मतलब.